आज जो मैं टैटू बन रहा है गाइस वो एक हिडन टैटू है, मैम का ये फर्स्ट टैटू है और मैम को चाहिए अपने कमर पे एक छोटा सा टैटू। और क्या हाल है आप सबके। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक आर्टिस्ट के बारे में, टैटू आर्टिस्ट के बारे में। और ये कोई मामूली टैटू आर्टिस्ट नहीं है, इसके पास लोग यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ से आकर अपने शरीर के ऐसे ऐसे हिस्से में टैटू बनवाते हैं जहाँ तुम्हारी सोच को भी सोचने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेश चौहान के बारे में, जिसे लोग आजकल प्यार से अश्लील टैटू आर्टिस्ट भी बुलाते हैं। सो हे गाइस, सो मैम आ चुकी मेरे पास टैटू बनाने के लिए अंधेरी से, यानी अंधेरी मेरे स्टूडियो से लगभग 20 से 25 को में दो गाइस। सो आज जो मैम जो टैटू बना रहे वो एक हिडन टैटू है, देखा है। तो मैम को चाहिए अभी नेम जो उनके बॉयफ्रेंड का नाम है गाइस, और 2 दिन बाद उनके बॉयफ्रेंड का बर्थडे का। अबे बर्थडे उसके बॉयफ्रेंड का है तो ये चमन भैया इतना क्यों मुस्कुरा रहा है। कैसे मैम अपने बॉयफ्रेंड को ये सरप्राइज देना चाहती गाइस, तो मैम अपने बॉयफ्रेंड को ये सरप्राइज देना चाहती गाइस, तो इसकी वजह से मैम। अच्छा, मैम अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती है, हमको सिखा रहा है। तो ये थी असली वजह जिसकी वजह से ये मनुष्य इतना ज्यादा खुश हो रहा था। वे देखा है तो अभी ने भी मेरे से यहाँ पे टैटू बनाया था गाइस, वो भी 2 साल पहले। अबे बनवाया होगा इसके बॉयफ्रेंड ने तुझसे टैटू, मगर ये वीडियो अगर इसके बॉयफ्रेंड ने देख लिया ना तो भाई साहब सरप्राइजेस लड़की को मिल जाएगा, और वो भी ब्रेकअप वाला। So, ये टैटू आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताना और शेयर भी करना वीडियो। अबे एक तो तूने ही बोला ये हिडन टैटू है और अब बोल रहा शेयर करें, तो भाई ये काहे का हिडन टैटू। सो हे गाइस, तो मैम आ चुकी मेरे पास टैटू बनाने के लिए अंधेरी से, कुछ पूछा और भाई साहब कोई इस कैमरामैन को पकड़ के 7 स्वरों की सलामी दिलवाओ। उस लड़की के आने से पहले ही वो स्टेशन पे जाके खड़ा था, और जैसे ही वो लड़की आई कसम से इसने ऊपर नीचे दाएं बाएं दीवार पे लटक के जमीन पे लोट के ना जाने कैसे कैसे एंगल में उसका वीडियो बना लिया। वे देखा तो मैम को अपने चेस्ट पे चाहिए था बटरफ्लाई विद यहाँ पे एक उनका एस नेम टैटू, क्योंकि उनके हस्बैंड का नाम है एस से स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से मैम को। अबे ये कैसी हरकतें हैं, उसके पैरों को उठाकर अपने पैरों पे रख रहा। अबे अब क्या उसे अपनी गोद में बिठाएगा क्या। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। अपना फर्स्ट टैटू अपने हस्बैंड को डेडिकेट करने गाइस। ओवरऑल देखा है तो मैम यहाँ पे बटरफ्लाई बना रही गाइस, और वो भी कलरफुल बना रही गाइस। अबे बावली पूछ, ये सब करते अगर इसके पति ने देख लिया ना तो वही बटरफ्लाई तेरे कैसी अपमान जाने बातें कर रहा है। अरे मेरा मतलब है वही बटरफ्लाई तेरे मुंह पे बना देगा। आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताएंगे, और जितना हो सके उतना प्लीज शेयर करना है वीडियो। हाँ शेयर करें, लेकिन कहाँ करें, फैमिली ग्रुप पे कर दे क्या, फिर तू आएगा हमें बचाने। सो हे गाइस, सो मैम आ चुकी मेरे पास टैटू मांग ले थाईलैंड से, थाईलैंड मेरे स्टूडियो से। अबे गूगल मैप के सौतेले दामाद, जब किसी ने तुझसे पूछा ही नहीं कि कौन कितने दूर से आ रहा है तो हर वीडियो में ये नोटिंग करना जरूरी है क्या। साले मजाक बना गाइस, तो इतने दूर से वो भी टैटू मांग लाना गाइस मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है गाइस। अबे वो सिर्फ एक टैटू ही बनवाने आ रही है, तुझे थाईलैंड का प्रेसिडेंट बनाने नहीं आ रही जो तुझे इतना प्राउड हो रहा है। खत्म। तो आज जो मैं टैटू बनाने वाला गाइस वो बहुत है ब्यूटीफुल टैटू और यूनिक टैटू है। हाँ भाई हाँ समझ गया, तू जितने भी टैटू बनाता है वो सारे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड यूनिक होते हैं। चल झूठा। तो मैम का वैसे ये थर्ड टैटू, मैम बहुत एक्साइटेड टैटू बनाने के लिए, और मैम अपना थर्ड टैटू अपने पार्टनर को डेडिकेट करे, उनके पार्टनर का एस लेटर से नाम स्टार्ट होता है। तो गाइस ये टैटू कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बता। यार जैसा ये बावली पूछ वैसे ही इसके कस्टमर। अबे एक एस का टैटू बनवाने ये तेज दिमाग की लोमड़ी थाईलैंड से इंडिया उड़कर आ गई। कोई सेंस है इस बात की। ऐसी अतरंगी हरकतें करने वालों को सम्मान तो मिलना ही चाहिए। क्या बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। सो हे गाइस, सर ये पैंट क्यों खोल रहे हैं, ये पब्लिक उनके ऊपर क्यों हंस रही है, तो मैं बता दूंगा। अबे तेरे बताने से पहले ही हमें पता है वो पैंट क्यों खोल रहा है। वो क्या है ना महेश भाई, जिस प्रकार से तू YouTube में हग रहा है ना उसी प्रकार वो भी मूतने के लिए अपनी पैंट खोल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज जो सर टैटू बना रहे वो एक प्राइवेट टैटू है, वो प्राइवेट टैटू उनको प्राइवेट पार्ट पे चाहिए। ऐसी टैटू है सर को ये ईट अप लिखना, वो भी उनको प्राइवेट पार्ट पे। तो सर का ये फैंटेसी टैटू है, सर को ये प्राइवेट रखना था और प्राइवेट लोगों को दिखाना होगा, तो इसके वजह शायद यहाँ पे सर ने। लगता है हमारे चमन भैया को बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है, देख रहे हो कैसे हाई फाइव चल रहा है।
मीटअप लिखा गाइस। ओवरऑल देखा जितना हो सके उतना ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहा गाइस। ये सर का बहुत टाइम से मन था कि ये टैटू बनेगा, ये थोड़ा सा फंकी लगता है गाइस और फैंटेसी भी लगता है। यहाँ पे फाइनली मेरा ये टैटू कंप्लीट हो चुका गाइस। तो ये टैटू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना गाइस। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कसम से इतना सुंदर जगह टैटू बनवाया है ना तूने कि अब मैं क्या ही बोलूं। मगर मेरा तुझसे एक सवाल है, अबे बचपन में सर के बल गिर गया था क्या? ये पैदा ही उल्टा हुआ है। खाने पीने मुतने हगने में कोई फर्क है या नहीं है? मुतने की जगह खाजा लिखवा रहा। नहीं नहीं सही है भाई, अगर ये कल को अपने मुंह के पास मूत ले लिखवा लेगा ना तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा। सो हे गाइस, सो मैम आ चुके मेरे पास टैटू बनाने के लिए नागपुर से। गया नागपुर मेरी स्टूडियो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। एक तो भाई साहब वीडियो शुरू होते ही बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश। यार कसम से कान के पर्दे फाड़ दिए इस चमकीले भैंस ने। तो मैम को चेज पे चाहिए एक टैटू गाइस। मैम को ऑलरेडी चेज पे एक ब्लेड मार्क, इसलिए मैम बना रही है अपने एक्स हस्बैंड का नाम। एक्स हस्बैंड का नाम? मगर क्यों दीदी, ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि आपको ये सब करना पड़ रहा? एक्स हस्बैंड इसलिए होगी, मैम का अभी रिसेंटली डिवोर्स हो गया तो इसकी अबे ये कैसा लॉजिक है? डाइवोर्स हो गया तो एक्स हस्बैंड का नाम लिखवा रही? सही में भाई इसके सारे कस्टमर्स इस चमकीले भैंस की तरह ही है। शरीर बड़ा हो गया है लेकिन बुद्धि अभी भी घुटने में ही है। गजब बेइज्जती है। बच के रहो भाई, बच के रहो, ऐसी लड़कियों से बच के रहो। अगर गलती से भी तुम में से किसी की भी इस लड़की से लड़ाई हो गई ना तो तुम्हारा भी नाम ये अपने सीने में गुदवा लेगी। कौन है? और मैडम आपके लिए ना मेरे पास एक एडवाइस है, गजनी मूवी को इतना भी सीरियसली नहीं लेना था। यार इसके वीडियोस देख के मेरा सर फटने लगा है। एक तो ये इतनी जल्दी में बोलता है जैसे इसे कल सुबह पनवेल निकलना है, और अगर सच में निकलना भी है तो भाई पनवेल तेरे स्टूडियो से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, तो काहे की जल्दी आराम से बोल ले। लेकिन नहीं, कतई सेंटर फ्रूट खाके बैठा है ना, जीत तो लपलपाएगी ही। कंट्रोल बस करो यार, हो गया और नहीं हो पाएगा मुझसे। चलो अब अगर मेरा फ्रस्ट्रेशन देख तुम्हें आनंद मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी करना, और मन करे तो सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये वीडियो बस मस्ती के लिए है, कोई हेल्प नहीं है किसी के लिए भी, तो इसे सीरियसली मत लेना। तो चलो यार अब मैं चला क्योंकि मुझे इंदौर निकलना है। लेकिन इंदौर यहाँ से कितना दूर है? इंदौर मेरे स्टूडियो से लगभग 550 किलोमीटर दूर है।